छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के जन्मदिवस के मौके पर किशोर सागर रोड पर चाचा की रसोई का शुभारंभ बड़े ही समारोह पूर्वक किया गया। यहां पर एक हाईटेक रसोई तैयार की गई है, जिसमें भूखे और असहाय लोगों को सिर्फ एक रुपए में भरपूर स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये शुरुआत विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर की गई है। इस अवसर पर प्रख्यात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने उद्बोधन में कथा का उल्लेख करते हुए मानव और दानव का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि दानव वह है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में सोचता है, मानव वही है जो सबके विषय में सोचता है। उन्होंने कहा कि संत की कृपा से व्यक्ति का चित्त और जीवन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खेलग्राम परिवार है। उन्होंने कहा कि पूज्य दद्दा जी की प्रेरणा से आलोक चतुर्वेदी का खेलग्राम पहले शिवलिंग निर्माण और कथा के आयोजन से ब्रजधाम बना और अब इस रसोई के प्रारंभ होने से ये सेवा ग्राम बन गया। उन्होंने कहा कि यह रसोई सिर्फ एक रुपात्र में ही भूखों को भोजन कराते हुए नर नारायण सेवा के संकल्प को पूर्ण करेगी। निजी खर्च से सर्व सुविधा युक्त रसोई बनाकर गरीबों को भोजन कराने का यह अनूठा संकल्प इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की अनूठी रसोई है जो अनावरत गरीबों और असहायों की सेवा करेगी, ऐसी हमें आशा और पूर्ण विश्वास है। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इस मौके पर कहा कि वह केवल एक साधन है और यह कार्य प्रभु की कृपा से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनावी नफा नुकसान के लिए रसोई प्रारंभ नहीं की है, बल्कि यह अनावरत चलेगी। रसोई में ही मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। संतों ने पौधारोपण किया और इसके बाद कन्या भोज के साथ भंडारा प्रारंभ हुआ। तदुपरांत जिले भर से आए साधु संतों का भंडारा हुआ और फिर जनमानस ने प्रसाद ग्रहण किया। संतों का स्वागत खेलग्राम परिवार ने किया। आभार प्रदर्शन निखिल चतुर्वेदी और सियाराम रावत ने किया, जबकि संचालन प्रभात अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर के हजारों लोग और गणमान्य नागरिकों ने यहाँ पहुंचकर विधायक आलोक चतुर्वेदी को जन्मदिन की बधाइयां दी। चाचा की रसोई के नाम से जो आज यहाँ ये सौगात जनता को समर्पित की गई है, ये परम पूज्य दद्दा जी की आशीर्वाद से, और उन्होंने सदैव मुझसे ये कहा कि बेटा भूखे को भोजन और प्यासे के कंठ अगर गीला कर दिया जाए तो इससे बड़ी कोई नारायण सेवा नहीं होती। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज जी ने भी अक्सर मेरी इस संबंध में उनसे चर्चा होती रहती थी। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से दद्दा के वो वचन आज संकल्प में महाराज श्री ने परिवर्तित कर दिए और जनता को ये रसोई समर्पित हो गई, जिसकी मैं धन्यवाद खेलग्राम परिवार और बच्चों को देना चाहूँगा। मैंने तो जैसा सोचा भी नहीं था ये रसोई उससे कहीं बेहतर बच्चों ने और परखे खेलग्राम परिवार के लोगों ने इसको बनाया और उसको जो भी यहाँ भोजन निर्माण है अधिकांशतः मशीनों के द्वारा होगा और उसको क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, एयर कंडीशन भी है, पानी के लिए आरओ सिस्टम और वाटर कूलर भी लगा हुआ है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और आप एक व्यवस्था की गई है, एक रुपए में आप टोकन लीजिए, टोकन काउंटर पे दीजिए, काउंटर से अपनी थाली लगवाइए और अपने आप जाके भोजन पाइए। उसमें बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से एक व्यवस्था को बनाया गया है और मेरा ये प्रयास है कि छतरपुर के लिए ये गौरव और गर्व की बात बने और छतरपुर शहर की प्रतिष्ठा का आगे बढ़े। ये प्रयास रहे कि बाहर से आने वाला हर व्यक्ति अगर यहाँ भोजन करना चाहे, गरीब मजदूर और असहाय लोग भी यहाँ आकर भोजन पाना चाहें तो वो भी आए और भोजन। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए छतरपुर से शिवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।